हाँ मैं यही कहूँ अनंतनाग से हूँ, संगम से। सो फाइनली गाइस हम यहाँ से इस व्यू पॉइंट से निकले हैं अब टाइटैनिक व्यू पॉइंट के लिए, तो वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको अगला व्यू पॉइंट दिखाने वाले हैं कुछ ही देर में, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। होप कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, व्यू काफ़ी बेहतरीन मिल रहा होगा आपको, काफ़ी अच्छी रोड। इनको करते हैं ओवरटेक, क्योंकि रोड सामने से दिख रही थी, क्लियर थी, तो भी मैंने ओवरटेक किया। जो भी कह लो कश्मीर की खूबसूरती के बारे में क्या ही कहना, काफ़ी खूबसूरत जगहें हैं कश्मीर की, काफ़ी बेहतरीन जगह देखने को मिलती है। गाइस फैमिली बढ़ाओ ताकि मैं एक अच्छा सा जो गोप्रो है वो तो मैं, गाइस आप सबको पता ही होगा काफ़ी वाइड एंगल व्यू है मेरे फ़ोन में भी, गाइस वाइड एंगल व्यू है, लेकिन इतना वाइड नहीं है जो हमें गोप्रो में मिल जाता है, उतना ज़्यादा भी नहीं है। फ़िलहाल के लिए फ़ोन से ही काम चलाना है। गाइस आप लोग मदद कीजिए सब्सक्राइबर बढ़ाने में, बाकी काम मेरा है, गोप्रो लाना, बाकी चीज़ें करना और नई नई जगह एक्सप्लोर करना, आप सबको साथ लेकर अपने व्लॉग में, ये मेरी जिम्मेवारी है, बस आप पे एक ही जिम्मेवारी मैं छोड़ रहा हूँ, जो इस टाइम मेरे साथ 115-120 लोग जुड़े हुए मेरे इस चैनल को काफ़ी आगे लेके चले। हम पहुँच चुके हैं NH44 पे, हमें यहाँ से लेफ्ट NH44 के लिए लेना पड़ेगा। सर ये टाइटैनिक व्यू पॉइंट कहाँ पे मिलेगा सर? इसी तरफ में, इसी रोड पे। आपको कहाँ जाना है? मुझे वहीं तक जाना है बस। हाँ मैं यहीं कहूँ अनंतनाग से हूँ, संगम से। जी सर, थैंक यू सर। तो इन सर ने हमें दिखाया है टाइटैनिक व्यू पॉइंट का जो रास्ता है, जो जवा टंडल आप सब जानते होंगे, जवा टंडल जो रास्ता है, टनल के पास में ही वो व्यू पॉइंट पड़ता है। जब हम टनल से निकलते हैं उसी टाइम पे वो व्यू पॉइंट देखने को मिलता है, तो हम चलते हैं उस व्यू पॉइंट की तरफ रोड एक्सप्लोर करनी। इतनी ख़राब रोड नहीं गाइस, मजाक कर रहा हूँ। मैंने जो बचपन से सोच रखा था कि मेरा खुद का कोई बाइक हो, कोई भी व्हीकल हो, मैं उस पर ये लेने चलूँ, इन जगहों को, इन रोडों को खुद एक्सप्लोर करूँ, खुद ड्राइव करके जाऊँ, खुद राइड करके जाऊँ, तो फाइनली सबसे पहले अल्लाह ताला की वजह से और उसके बाद मेरे डैड की वजह से, लव यू डैड, जिनकी वजह से मुझे ये चीज़ें करने को मिली। हमारे डैड ने हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं दी है, कोई भी बाप अपने बच्चे को किसी चीज़ की कमी नहीं देता, लेकिन स्पेशली माय डैड, दुनिया के सबसे प्यारे और सबसे अच्छे इंसान, सिर्फ एक बार कहने पे गाइस मुझे RS 200 ला के दी। मुझे नहीं पता गाइस उन्होंने पैसे कहाँ से अरेंज किए, कैसे अरेंज किए, लेकिन गाइस उन्होंने मेरी बात जुटलाई नहीं, बल्कि मुझे बाइक लेकर दी। लव यू डैड। देखें ये वाला व्लॉग स्पेशली देखें, क्योंकि मैं उनसे कभी भी अपने, उनसे जो मुझे उनसे प्यार है वो कभी इजहार नहीं कर पाया। आज कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत गाइस बोल पाऊँ उनके बारे में। तो डैड मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हालात कैसे भी रहें, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ कहने जा रहा हूँ मुझे नहीं समझ आता कि मैं कैसे अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करूँ, स्पेशली अपने डैड का। गाइस देखिए जितने भी लोग हैं, हर कोई माँ के बारे में ज़रूर बोलता है, लेकिन बाप के बारे में कोई नहीं बोलता है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ गाइस, और जब से मैंने होश संभाला है, तो गाइस ज़्यादा नहीं 10 साल तो हो चुके हैं, इन 10 सालों में गाइस जो चीज़ मैंने देखी है कि मेरे डैड जो है उनने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। गाइस जो पॉसिबल नहीं भी था वो भी करने की कोशिश की उनने, काफ़ी हद तक किया भी है। गाइस इस टाइम भी वो हमारे लिए कहीं ना कहीं
मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे अच्छे से अपनी ज़िंदगी सर्वाइव कर पाए। और गाइस जोड़ने किया है, सब माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं गाइस, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जो उन्होंने किया है गाइस, आई डोंट थिंक सो कि कोई और भी कर पाए वैसे। इसलिए लव यू डैड, लव यू सो मच, मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भुला पाऊँगा डैड। ये सिर्फ बाइक के लिए नहीं है, ये हर उस चीज़ के लिए है जो भी आपने मेरे लिए की। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मैं भी ऐसी चीज़ें कर पाऊँ फ्यूचर में, इतना कुछ कर पाऊँ कि मैं आपको अपने साथ रख पाऊँ, खुश रख पाऊँ। और जैसे आपने बचपन में मेरा ध्यान रखा डैड, मैं भी आपका वैसे ही ध्यान रख पाऊँ। सो लव यू डैड, लव यू सो मच। तो गाइस कुछ ऐसे ऐसे व्यू पॉइंट्स हमें मिलने, जिन चीज़ों को हम ढूंढ रहे थे गाइस, जो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे वो ये हैं। होप कि आपको अच्छे से वीडियो में सब कुछ दिखेगा गाइस। मैं बाइक को एक काम करता हूँ, रोक के ही आपको ये व्यू पॉइंट काफ़ी खूबसूरत है गाइस। जब हवा भी काफ़ी खूबसूरत, हवा काफ़ी अच्छी ठंडी, चिल कर देने वाला मौसम। तो गाइस देखिए वो गाँव भी कितना प्यारा है, नीचे में पूरा, सामने दोनों साइड से पहाड़, इस साइड से तो ये रोड, और उसके बाद नीचे का ये गांव का व्यू काफ़ी खूबसूरत, और ऊपर ये वादियाँ। गाइस यहाँ आकर लगता है कि सच में कश्मीर जन्नत है, वरना हम जिन एरियों में रहते हैं गाइस, वहाँ से तो हम इन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, इन चीज़ों का फील नहीं ले पाते हैं। तो गाइस देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, होप कि आगे हमें इससे भी खूबसूरत जगह मिलेंगी जो हम व्यू पॉइंट देखने जा रहे हैं गाइस। अब जो एक्साइटमेंट है और भी बढ़ती जा रही है व्यू पॉइंट के लिए। तो गाइस निकलते हैं, वापसी पे मैं वीडियो बनाऊंगा, वापसी की वीडियो भी मैं गाइस व्यू पॉइंट से पहले ही इसमें डालूंगा, या तो व्यू पॉइंट के बाद, लेकिन मैं 100% वो वीडियो इसमें डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है वापसी का जो सीन आने वाला है वो भी काफ़ी बेहतरीन, दिल को लुभा देने वाला और काफ़ी खूबसूरत व्यू होगा। तो गाइस ये रोड, ये वही रोड है जिसकी मैं आपसे पीछे बात कर रहा था। इस रोड पे मैं बचपन में जम्मू जाया करता था, और तब मुझे गाइस आज मैं खुद उस रोड पे बाइक लेके चल रहा हूँ गाइस। इसी का नाम है ज़िंदगी, कभी हम कहाँ और कभी कहाँ। तो गाइस आप आज जिस चीज़ पे हो उसे इंजॉय करो, क्योंकि आने वाला कल किसी ने नहीं देखा, उम्मीद ही कर सकते हैं कि आने वाला कल अच्छा हो। तो उस मेरा मानना है आज हम जो चीज़ जी रहे हैं, हम इसी चीज़ को बहुत अच्छे से जिएं, काफ़ी अच्छे से एंजॉय करें। टेंशन, परेशानी, मुसीबत, ये सारी चीज़ इनके बिना गाइस अधूरी है गाइस ज़िंदगी। टेंशन वगैरह के बिना भी ये भी ना हो तो गाइस मैं नहीं मानता कि ज़िंदगी हमने जी ली। तो गाइस मेरा जो गूगल असिस्टेंट है वो बोल रही है, इसका मतलब हमें काफ़ी कम एरिया बचा है, मैं नहीं जानता कितना, लेकिन गाइस सच कहूँ तो वाव का सीन है यहाँ का, इस रोड का स्पेशली, क्योंकि मैं इस रोड को खुद राइड करना चाहता था, इस रोड पे खुद ये जो NH44 है गाइस ये वही है, लेकिन आज ये बंद है, तो यहाँ का ट्रैफिक गाइस बहुत कम है, ना के बराबर। तो गाइस मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे आऊँगा और इस चीज़ को देख पाऊँगा गाइस। कसम से सामने का पॉइंट व्यू देखिए गाइस, कसम से वाव है ये। तो गाइस ये हमारा टाइटैनिक व्यू पॉइंट, टाइटैनिक व्यू पॉइंट, फर्स्ट व्यू ऑफ कश्मीर वैली है ब्रेक व्यू पॉइंट। ये है हमारा कुछ व्यू पॉइंट, यहाँ से हम एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद गाइस और भी है अभी आगे, देखिए गाइस काफ़ी खूबसूरत और दिल को लुभा देने वाला, वादियों के बीच में छोटे छोटे गांव, प्यारे प्यारे गांव, और साथ में ये इतने गहरे जंगल। तो गाइस यही चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं, जिनके लिए मैं काफ़ी टाइम से बेताब था कि मुझे व्यू पॉइंट जाना है, मुझे व्यू पॉइंट जाना है। तो आज फाइनली हम व्यू पॉइंट पहुँचाए और मैं आप सबको लेके आया हूँ। तो
तो हम इसके बाद उस साइड से कैप्चर करेंगे। तो गाइस जो मेन व्यू पॉइंट है वो ये है, सामने आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, यह है मेन व्यू पॉइंट। यहाँ से काफ़ी बड़ा एरिया जो है गाइस वो हमें देखने को मिलता है अपनी इस कश्मीर वैली का। और मेनली जो चीज़ है काफ़ी खूबसूरत एरिया देखने को मिलता है। तो गाइस हम करते हैं अपने इस व्यू पॉइंट को कैप्चर। तो गाइस कुछ ऐसा है, आज गाइस थोड़ा फॉगी सा है मौसम जिसकी वजह से आज उतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी गाइस थैंक गॉड कि काफ़ी अच्छा व्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये था कुछ टाइटैनिक व्यू पॉइंट का व्यू। तो सब अपना ख्याल रखेंगे, मेरा भी ख्याल रखेंगे कि मेरे वीडियो पे लाइक करने हैं, कमेंट करने हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना है जैसे कि सब लोग जानते हो। और मेरा एक लास्ट का जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी कहूँगा, इस व्यू खूबसूरत व्यू पॉइंट के साथ कहूँगा कि गाइस आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करो अपने हर दोस्त के साथ, जो भी आपका क्लोज़ फ्रेंड है जिसका फ़ोन आप ले सकते हो। अगर नहीं भी ले सकते गाइस अपने फ्रेंड से फ़ोन मांगो, उन्हें कहो मेरे चैनल के बारे में, इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो जो भी वीडियो आपको रिसेंटली दिख रही है गाइस उस वीडियो को लास्ट तक देखें पूरा और इसको इस चीज़ को एंजॉय करें जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। गाइस मैं भी चाहता हूँ ये आप लोग भी एंजॉय करें। और उससे पहले जो यहाँ से मैं रिटर्न वापस जा रहा हूँ इसकी भी मैं वीडियो एक बनाऊँगा वो डालूँगा। तो गाइस यहाँ का वापस का भी बहुत ही प्यारा सीन है, बहुत ही प्यारा सीन है गाइस। जो आप सामने देख रहे हो ये वो नहीं है, जो इसके बाद आने वाला है गाइस वो इससे भी प्यारा सीन है, वो मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।